नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मूल निवासी ORG पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि मौजूदा जो सरकारें हैं और जो आने वाली सरकारें हैं, महाराजा सुहेलदेव पासी को एक मात्र महापुरुष समझती हैं, जबकि पासी समाज महाराजा सुहेलदेव पासी को सदियों से पूछता आया है। मैं आप सभी लोगों को अहम मुद्दे बताने वाला हूँ कि किस तरह ओम प्रकाश राजभर 90 के दशक में पासी जाति से जात प्रमाण पत्र बनवाकर और अपने लोगों का पासी का जात प्रमाण पत्र बनाने की लड़ाई को लेकर आगे चले, और जब उनका जात प्रमाण पत्र पासी का नहीं बन पाया तो वो OBC में शामिल हो गए और महाराजा सुहेलदेव के पीछे उन्होंने राजभर लगा दिया। साथियों, अब देखने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी के लोग OBC को लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं और वो चाहते हैं कि OBC समाज हमसे जुड़ा रहे, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में शामिल किया। और पासी समाज के लोगों से मैं एक बार खुलकर बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब ओम प्रकाश राजभर को एक मौका दिया और वो केंद्रीय मंत्री बना, तो उसने महाराजा सुहेलदेव पासी के पीछे सबसे पहले उसने राजभर लगाया और पासी जात से खुद को अलग बताया और महाराजा सुहेलदेव पासी का इतिहास चुराने की कोशिश की। तब देखने वाली बात ये है, तो एक बड़ी बात निकल के आ रही है कि अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर को अपनी पार्टी में शामिल कर लिए हैं, उनको कुछ सीटें देने का वादा किए हैं, तो क्या पासी समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी का समर्थन करना चाहिए? जो पासी नेता समाजवादी पार्टी में है वो कभी अपना मुंह नहीं खोलते हैं महाराजा सुहेलदेव पासी के मुद्दे पे। अब सोचने वाली बात ये भी है कि अगर हम समाजवादी पार्टी को समर्थन करते हैं तो क्या हमारा वजूद और हमारी इज्जत उसमें बनी रहेगी, क्योंकि जो मौजूदा नेता हैं उन्होंने पासी समाज के इतिहास से और भूगोल से कोई मतलब नहीं है। जो पासी समाज के बड़े नेता हैं उनका खुद ये कहना है कि पासी समाज के इतिहास और भूगोल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने अभी तक पासी समाज के लिए एक भी कार्य नहीं किया है, ना किसी सोशल मीडिया पे, ना इंटरनेशनल मीडिया पे, कहीं भी उन्होंने महाराजा सुहेलदेव पासी का जिक्र नहीं किया है और ना उन्होंने कभी ये वादा किया है कि हम महाराजा सुहेलदेव पासी की लड़ाई लड़ेंगे। अब देखने वाली बात दोस्तों ये है कि महाराजा सुहेलदेव पासी की लड़ाई कौन लड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी में जो अपने सांसद विधायक हैं डर के मारे कि उनका टिकट ना कट जाए, इस डर से आदित्य योगी नाथ ने जब महाराजा सुहेलदेव के आगे क्षत्रिय भर लगा दिया तो किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकली और किसी ने उसका विरोध नहीं किया। इसी तरह बहुजन समाजवादी पार्टी जब थी तो महाराजा बिजली पासी किले का जो सामने 100 बीघे का एक तालाब था, जब उस पर अतिक्रमण किया, मायावती ने उस पर अपना कब्जा किया, तो बहुजन समाजवादी पार्टी में जो उस समय भी मौजूदा सांसद थे, विधायक थे, उन लोगों ने तब भी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। तो मेरा सभी अपने भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रत्याशी इतिहास को लेकर जागरूक है उसके साथ लगे, उसकी बात करे, जो इतिहास को समर्पित है, अपने समाज को समर्पित है, अपने समाज और अपने इतिहास को लेकर जागरूक है, जिसको पता है कि हमारा इतिहास क्या है, और जो जिनको लगता है कि हम सिर्फ किसी पार्टी की गुलामी करने से हम बड़े आदमी हो जाएंगे, तो ऐसे लोगों से कतई दूरी बना ले। क्योंकि साथियों, चाहे वो इलाहाबाद का कांड हो, चाहे वो आजमगढ़ का कांड हो, चाहे लखनऊ सरोसा भरोसा का कांड हो, चाहे जितने भी कांड हुए हैं, किसी भी नेता विधायक मुंह से आवाज़ नहीं निकली है, वो अपनी सीट से इतना डरे हुए हैं कि कहीं उनकी सीट न छीन ली जाए। एक बार साथियों, मेरा आप लोगों से फिर से हाथ जोड़कर निवेदन है, जो नेता करेगा इतिहास की बात और अपने लोगों की सुरक्षा के बाद, इस बार पासी समाज का वोट सिर्फ उसको जाना चाहिए। महाराजा सुहेलदेव पासी की मूर्ति लाल बाग चौराहे पर है, वहाँ पे आज तक कोई भी पासी समाज का नेता नहीं पहुँचा है, सिर्फ एक लीडर पहुँची है
उनका नाम है सावित्री बाई फुले जी। सावित्री बाई फुले समाज में लगी रहती हैं, समाज में संघर्ष करती हैं और उन्होंने कई बार महाराजा सुहेलदेव पासी जी की जो मूर्ति है उस पर बोला है, उनकी आवाज़ उठाई है और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कई बार आवाज़ उठाई है। तो ये एक देखने वाली बात है कि मैं एक बार आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि इस बार महाराजा सुहेलदेव पासी की जो बात करेगा, इस बार पासी उसको चुनेगा, ऐसा मैसेज पूरे यूपी में जाना चाहिए। और पासी समाज के जो युवा जागरूक हैं, जिनको लगता है कि हम अपने इतिहास और अपने लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं, वो युवा साथी इस वीडियो को तुरंत शेयर कर दे, जिससे कि यह मैसेज जा सके, जो हमारे समाज के हमारे यूट्यूब में जो लाखों लोग जुड़े हुए हैं वो सभी भाई अपना वीडियो शेयर कर दें और एक मुहिम चलाएं कि इस बार जो महाराजा सुहेलदेव पासी की बात करेगा, पासी समाज उसको वोट देगा। ये मैसेज पूरे यूपी में जाना चाहिए और ये जाना ज़रूरी है, क्योंकि यह एक स्वाभिमान की लड़ाई बन चुकी है। जब स्वाभिमान पासियों का जागेगा तो पासी की तरफ कोई नज़र दिखाने के काबिल नहीं बचेगा। आज हर आदमी पासी को दबाने में लगा है, लेकिन ये बात सरकार को समझनी चाहिए और उनको समझानी होगी हम ही को। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक वोट की ताकत दी है, अब हमें उस वोट की ताकत उनको दिखानी है और इस बार दिखाना है उनको कि महाराजा सुहेलदेव पासी थे, पासी हैं और पासी रहेंगे। एक बार मेरा फिर से सभी लोगों से कहना है, हाथ जोड़कर, इस बार जो करेगा महाराजा सुहेलदेव पासी की बात और पासी समाज, इस बार उनका सपोर्ट करेगा। क्योंकि साथियों, नेता विधायक बनने के बाद लोग अपनी कुर्सी बचाने के डर से महाराजा सुहेलदेव पासी के मुद्दे पर नहीं बोलते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गोमती नगर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रोग्राम किया, लेकिन वहाँ पे उन्होंने महाराजा सुहेलदेव का नाम नहीं लिया, ना ही आदित्य योगी नाथ ने महाराजा सुहेलदेव का नाम लिया, ना ही डॉक्टर दिनेश शर्मा ने नाम लिया सुहेलदेव जी का। सुहेलदेव हमारे हैं, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं महाराजा सुहेलदेव को हमसे जो है दूरी बना रही हैं, क्योंकि ये जो राजभर हैं ये पानी भरने वाली जाति है। जब भारतीय जनता पार्टी ने जाति का व्यवसाय जारी किया तो राजभरों को पानी भरने वाली की उपाधि दी, ये लिखा हुआ है बिल्कुल साफ साफ, वो देख सकते हैं। पासी जात एक मार्शल कॉम है, पासी समाज के यहाँ पर अवध में, पूरे अवध में एक तरफा राज रहा है, पासियों ने यहाँ से लेकर दिल्ली तक राज किया है और पासी एक मार्शल कॉम है, पासी एक शासक कॉम है, इस चीज़ का इतिहास गवाह है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी में 26 विधायक और 6 सांसद हैं, ये उस चीज़ का गवाह है कि यहाँ पे हमारा ही राज रहा है और राज रहेगा। और इसीलिए मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और बता दें कि महाराजा सुहेलदेव पासी हमारे हैं, हम महाराजा सुहेलदेव पासी की जात के साथ छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस बार वोट महाराजा सुहेलदेव पासी के नाम पर जाएगा। आने वाले वीडियो में फिर मिलते हैं और इसी तरह के वीडियो फिर लाएंगे, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है और लोगों को बताना ज़रूरी है महाराजा सुहेलदेव पासी हमारे हैं और इस बार हम वोट भी उनको करेंगे जो करेगा महाराजा सुहेलदेव पासी की बात। और ओम प्रकाश राजभर जो महाराजा सुहेलदेव पासी का इतिहास छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, इसकी सीट इस बार भी नहीं निकलेगी, क्योंकि पासी इसको गलती से भी वोट ना दे ओम प्रकाश राजभर को। ये एक नंबर का जो है, इसने हमारे इतिहास को चुराया है। इसने लखनऊ में जो मूर्ति बनी है अखिलेश यादव की सरकार में, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, जो वहाँ पे मूर्ति लगी है उसका रजिस्ट्रेशन सिर्फ महाराजा सुहेलदेव चौक के नाम से है। और इसने अपनी गुंडाई तो इसकी चलती नहीं, इसने अपनी जो दलाली कहते हैं चापलूसी करके वहाँ पे महाराजा सुहेलदेव राजभर लिखवाया है, तो इसका जवाब भी हमें इसको देना है और बहुत ज़रूरी है। सभी साथी एक बार सतर्क हो जाएं और महाराजा सुहेलदेव पासी हैं, पासी रहेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय पासी समाज, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, हर हर महादेव।